दोस्तों, इन दोनों बच्चों ने ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त होने से बचा लिया, जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। दरअसल यह घटना बांग्लादेश की है, जहां के जीना नामक गांव के पास से रेलवे ट्रैक की लाइन गुजरती है। यहां पर रहने वाला 6 साल का सियान और 7 साल के टाइटन इस्लाम अक्सर ट्रेन के पटरियों के पास खेलते रहते थे। एक दिन इसी तरह से ट्रेन पटरी के पास खेल रहे थे, तभी वहाँ से ट्रेन गुजरती है और ट्रेन गुजरने के बाद इन दोनों बच्चों को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। इसीलिए ट्रेन गुजरने के बाद दोनों बच्चे तेज़ी से ट्रेन की पटरी की तरफ दौड़ते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं तो एक जगह पर पटरी का एक सिरा टूट चुका है। तभी वहाँ से एक ट्रेन और आने लगती है, तो ये दोनों बच्चे सोच में पड़ जाते हैं कि क्या करें। तभी इनको ख्याल आता है कि सियान ने लाल रंग का मफलर पहन रखा था। तभी उन दोनों ने मफलर को पकड़ा और ट्रेन के आगे खड़े हो गए। देखकर ट्रेन ड्राइवर ने ट्रेन रोक दी। दोस्तों, उस ट्रेन में 32 ऑयल टैंक थे। अगर ये ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती तो बड़ा हादसा होता, लेकिन इनकी दरियादिली देखकर बच्चों को बांग्लादेश रेलवे की तरफ से सम्मानित भी किया गया।